कौन कौन सांसद बदनाम कर रहे हैं? इतना कैश कांग्रेस के पास मिल रहा है, कोई सांसद बदनाम नहीं करे। देखिए, मैं आप तमाम मीडिया से आग्रह करूंगा, कम से कम आप लोग भी देखिए, धीरज साहू जी का आपका एक अच्छा संबंध है, वो अच्छे व्यक्ति हैं। आज पूरा लोहरदगा रो रहा है, देखिए गरीब रो रहा है, उनको दुआ दे रहा है। अब व्यवसाय का पैसा है, वो हिसाब देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं धीरज साहू जी का, उनसे कहूँगा कम से कम राजनीति में अपना मॉरल मत गिरा दीजिए, एक मॉरल होना चाहिए। जो धीरज साहू कैश कांड का बात कर रहे हैं, देखिए मैंने कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि रेड कंडक्ट होना अभियुक्त किसी को नहीं साबित करता है। निश्चित तौर पर जब इनकम टैक्स की जांच रिपोर्ट आएगी, इनकम टैक्स बता पाएगा कि धीरज साहू जी का ये पैसा लीगल है या इलीगल है, तब जाके धीरज साहू जी अभियुक्त होंगे। आज की डेट में धीरज साहू जी का व्यवसाय कम से कम 10,000 करोड़ का है और उनके परिवार सब एक ही घर में एक ही जगह पर रहते हैं, और ये आज के व्यवसाय नहीं है। 1949 से उनका परिवार जो है वो एक स्टेट परिवार माना गया, रॉयल स्टेट परिवार माना गया, और उनके परिवार का व्यवसाय बहुत दिनों से चले जा रहा है। आज 30 से 35 साल तक से उनके पास उड़ीसा के शराबों का ठेका है, देसी शराबों का ठेका है, छत्तीसगढ़ में व्यवसायी है, और पर डे का कैश कलेक्शन जो है 25 से 30 करोड़ रुपया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के पास रेड कंडक्ट होना उनको अभियुक्त माना जाता है। अगर इनकम टैक्स आगे जाके ये बता पाए कि ये रेड जो कंडक्ट हुआ है वो धीरज साहू का लीगल पैसा है या इलीगल पैसा है, तो आप क्या मैं भी धीरज साहू जी के विरोध में खड़ा रहूंगा? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।